आप भी इस तरह का अगर फोटो डिजाइन करना चाहते हैं तो आज आप लोगों को बताया जाएगा इस तरह का फोटो को डिजाइन करने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो इस तरह का अगर फोटोशॉप में आप प्रोग्राम में सीखना चाहते हैं इस तरह का फोटो डिजाइन करने के लिए, तो आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गली। तो यहाँ से देख रहे हैं कि फोटोशॉप के प्रोग्राम पे हमें क्लिक करते हैं, फोटोशॉप का प्रोग्राम यहाँ पे खुलेगा। तो ये आपका होम पेज हो गया। इस होम पेज में आपको करना क्या पड़ेगा, न्यू पेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, और जो आप पेपर का साइज आप लेना चाहते हैं फोटो को डिजाइन करने का, तो पेपर का साइज यहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद इस तरह का अगर बैकग्राउंड आ जाएगा तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लेयर के नीचे आपका बैकग्राउंड दिखेगा, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक करते हैं उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके जब कर लीजिएगा उसके बाद इस बैकग्राउंड जो वाइट कलर का जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल प्लस ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सेलेक्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट की को एक बार प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही डिलीट की को प्रेस करिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह का डिजाइन हम यहाँ पे चुन लेंगे, और जब डिजाइन चुना लिया हो जाएगा तो इस तरह का जो भी आप डिजाइन यहाँ पे करना, तो यहाँ पे चलिए खींचते हैं और डिजाइन को बनाते हैं। तो इस तरह का डिजाइन हम बना के, और इसको जब तक रोटेट करना है जब तक ये एंगल पूरा एंगल में ना आ जाए, तो अब इसको पकड़िए और यहाँ से रोटेट करते जाइए। तो हम घुमाना स्टार्ट करते हैं जब तक इसका पूरा का पूरा डिजाइन ना दिख जाए, जब तक आपको घुमाते जाना है। तो इस तरह का आप जो एंगल में आप इस बैकग्राउंड को आप रखना चाह रहे हो उस बैकग्राउंड में आपको इसको ला के रखना है। और जब रखा हुआ हो जाएगा तो इस साइज को भी आप जूम करके छोटा बड़ा करके भी आप देख सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे इस तरह का डिजाइन हम एंगल में मिला लिए। अब इसके द्वारा आप ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, और इसका साइज जो छोटा बड़ा करना है तो आप यहां से छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरह से। तो इस तरह का किया हुआ हो जाएगा, तो आपको अगला बटन जो दबाना है वो ओके का बटन दबा के आपको होम पेज के पर चले आना है। तो चलिए बीच में सेट करके हम यहाँ पर और ओके प्रेस करके हम लोग चलाएँगे कहाँ पर, होम पेज की ओर चले आएंगे। तो जैसा ही हम इस पे ओके हम क्लिक करते हैं तो इसका बैकग्राउंड में चलाया जाएगा, यानी कि फुल बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड पहले से आप ऑलरेडी लिए थे। तो अब इसमें से करना क्या चाह रहे हैं कि इसको डिजाइन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं डिजाइन। तो आपको इसमें से करना है क्या कि जो पिक्चर्स है आपका, जो भी आप फोल्डर्स में आप पिक्चर्स रख रखे हो तो उसको आपको लाना है। तो डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करके आप इस तरह से ला सकते हैं। अब यहाँ से इसमें देख रहे हैं कि तीन फ़ोटो का डिजाइन करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको तीन फ़ोटो को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको करना है क्या, कंट्रोल की दबा के और तीन फ़ोटो पे आप क्लिक कर दीजिए, तीनों फ़ोटो क्या क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, जो भी फ़ोटो चुनना चाहते हैं उसको आप आराम से लेकर जाओ। उसके बाद ओपन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओपन पे हम क्लिक करते हैं तो फोटो आ गया। अब इस फोटो को लेके जाना है तो फोटो को सेलेक्ट करके, फोटो को कंट्रोल ए करके भी ले जा सकते हैं, अरे तो सेलेक्ट करके भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल ए कर लिए और उसके बाद टोटल फोटो का मिनिमाइज कर लेंगे और कॉपी वहाँ से करके अब यहाँ पर आके कंट्रोल प्लस भी करेंगे। जैसे ही भी करेंगे उसके बाद कंट्रोल प्लस टी करेंगे, और टी करके शिफ्ट दबा के रखिएगा और छोटा कर दीजिए। शिफ्ट दबाने से क्या होता है, फोटो का बिल्कुल साइज है ना और पूरा का पूरा एक तरह से और सीधा होता है। उसके बाद आपको करना है क्या, कीबोर्ड को कंट्रोल दबाइए और जो एंगल में जो कॉर्नर में आप सेट करना चाहते हैं उसको आसानी कंट्रोल की को आप प्रेस करके रखिएगा। क्या करना, कंट्रोल की को आप प्रेस करके रखिएगा और जो कॉर्नर में आप सेट करना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरह से इसी तरह से कॉर्नर बाय कॉर्नर आप खींचिए और उस पर एडजस्ट करते चले जाइए। तो चलते इसको सही से आपको सेट कर लिया जाता है, पूरा एंगल का बिल्कुल मिला के सेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर नीचे पूरा सेट करके हम देख लेंगे। तो इसी तरह से हम करेंगे और सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट फोटो को करना है। फोटो को दूसरा फोटो को आपको लाना है और नेक्स्ट फोटो भी वही करना, आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और जितना फ़ोटो आप लेके जाना चाहते हैं उतना फ़ोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और जब सिलेक्ट किया हुआ हो जाएगा तो करना है क्या, कंट्रोल प्लस सी यानी कि कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी कर देंगे, और उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे,
कंट्रोल टी करके और शिफ्ट जरूर प्रेस करिएगा। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, फ़ोटो बिल्कुल सीधा सही होगा, सीधा एकदम पूरा एंगल में आया जाएगा। उसके बाद द फोटो को एडजस्ट करना है तो क्या करना है, कंट्रोल की को आपको प्लेस करना है और जो एंगल में जो कॉर्नर में आप ले जाना चाहते हैं उसको बिल्कुल आसानी तरह से लेके जाना है। कंट्रोल की आप छोड़ना नहीं है, कंट्रोल की को आप प्रेस कर ले रहना, उसके बाद आप जो कॉर्नर पे आप सेट करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो चलते कॉर्नर बाई कॉर्नर हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे और कंट्रोल की आप प्रेस करके ही सेट करिएगा, तो कंट्रोल की के द्वारा। और नेक्स्ट फोटो को इसको भी आप करना है क्या, वो कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल प्लस सी करिए और उसके बाद कंट्रोल प्लस बी करिए, सेम प्रोसेस तीनों फोटो का एक ही चीज़ होता है। कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा जब भी बोल रहे हैं कि अगर छोटा बड़ा करना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस टी के द्वारा छोटा बड़ा आप आसानी तरह से कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस कंट्रोल प्रेस करिए और जो कॉर्नर में आप फ़ोटो को सेट करना चाह रहे हैं और उस तरह से आप फ़ोटो को सेट करिए, कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा, दबाए रखिएगा, छोड़िएगा नहीं आप उसको। अब इस तरह का डिज़ाइन हम यहाँ पे आके सेट कर देते हैं। तो चलते सेट कर लेते हैं और पूरा का पूरा आपको अब क्या करना है कि टोटल फ़ोटो को, तीन फ़ोटो मेरा आया तो तीनों फ़ोटो को लेयर करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लेयर में आपका लिख रहा है 0 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, इस तरह का नीचे में लेयर बना हुआ है। तो उस टोटल लेयर को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टोटल लेयर को अगर जोड़ना आप चाहते हो तो कीबोर्ड कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते जाइएगा, प्रेस करते जाइएगा, कंट्रोल ई कंट्रोल ई, तो टोटल लेयर एक में चला जाएगा। और जब चला जाएगा उसके बाद आप फोटो को डिज़ाइन को कहीं पे आप घुमा सकते हैं और कहीं पे आप ले जा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरह से। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कीजिए। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो। तो यहाँ पे सर्च करेंगे YouTube, यहाँ पे टाइप करेंगे अपने चैनल के बारे में, हम आप लोगों को बताएंगे। चलते हैं यहाँ पे YouTube सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखे PINTUKY SPACE RAJ, उसके बाद इंटर प्रेस करना चाहते हैं इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसा इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे होम पेज खुल जाएगा, आप इस पर पिंटू के वाई राज पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इसका बॉक्स खुल जाएगा। और देख पा रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर कोई भी तरह का हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो पे, यहाँ पे टोटल जितना भी अपलोड किए हैं वीडियो, माही मंदिर माही